रुपए मजदूर करते हैं, आप हमारे ऊपर मुकदमा लिखिए। लेकिन हम लोग भी इसके लिए सक्षम है, इस देश का प्रत्येक नागरिक सक्षम है। अगर इस देश का नागरिक है, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात करने का पूर्ण अधिकार है। सोनभद्र के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, उठाई गरीबों और पिछड़ों की मांग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जिलाधिकारी महोदय को सम्यक मूल मोर्चा के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक धम्म गुरु अशोकानंद जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में भूमिहीन गरीबों को 5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटित किए जाने की मांग थी, जिसमें गरीब लोग 1 बीघे में पेड़ लगाकर राष्ट्रीय पर्यावरण को सुरक्षित रखें और 4 बीघे जमीन पर घर द्वार खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करें। OBC को 60% आरक्षण दिया जाए, जाति जनगणना कराई जाए, सभी जाति वर्गों को हिस्सेदारी दी जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान आइस बेस के मिर्जापुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष बाबूलाल, मोस्टपा के राष्ट्रीय प्रचारक पवन कुशवाहा, शिवमणि भास्कर, RT पटेल, सुनील शर्मा, शिवमणि भास्कर के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सत्यात्रा न्यूज से मिर्जापुर ब्यूरो चीफ भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। कि आप यहाँ जब मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया है, ये कौन सा मैदान है, क्या उद्देश्य है आपका? जी, मैं धर्मगुरु अशोकानंद, राष्ट्रीय संयोजक सम्यक मूल मोर्चा एवं आई स्पेस। आज हम लोग बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत रावर्ट्सगंज में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष धरना देते हुए अपनी 11 सूत्रीय मांगों को देते हुए ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। जैसे कि कैसे सूत्र, कौन सी मांगे हैं? हाँ, उसमें जो प्रमुख मांग है, हमारी पहली मांग है कि इस जनपद और प्रदेश में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, OBC के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 के तहत कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए, जिसमें 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके और शेष 4 बीघे पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। ऐसी हमने पहली मांग किया है। दूसरी मांग क्या है? और दूसरी बड़ी मांग है कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में शिक्षा, सर्विस, विधायिका, न्यायपालिका आदि में आरक्षण यानी हिस्सेदारी दिया जाए ताकि सामाजिक संतुलन बन सके, राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत हो सके और सबके प्रतिनिधि शासन प्रशासन में आए। जैसे आप मांग किया, मांग पर सौंपे हैं, आपके जो SDM के प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि हम इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक प्रेषित कर देंगे और जो हमारे जिला प्रशासन के तरफ से होने वाला है उस पर हम लोग कार्रवाई और सुनवाई करेंगे। चलिए सर, लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पूछिए, परिचय बोलेंगे। हाँ सर, परिचय बोलेंगे आप। मैं RT पटेल, राष्ट्रीय प्रभारी मोस्टपा, और सूत्र से बोल रहे हैं।
बाद जिसे आप ये धरना किया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी कह रहे हैं अपने मांग पत्र को सौंपा गया, इसमें आप भी सहमत हैं? आप आपका संगठन नहीं करता है? पूरी तरह से सहमत हूँ, गुरु जी के साथ में हूँ, मैं सम्यक मोर्चा के साथ अपना बैंक ये मोस्टपा को लेकर के साथ में हम दोनों साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बता सकते हैं आप कि आपका ये संगठन जिसे राजनीतिक संगठन है या तो फिर सामाजिक संगठन है? ये पूरी तरह से सामाजिक संगठन है, राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, राजनीति से भला होने वाला नहीं है, इसलिए हम दोनों मिलकर के गांव सभा में जा जा करके गाँव में गरीबों को अपना उनकी सेहत सुरक्षा के लिए लोगों से उनकी बात करते हैं और यह लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने की हम लोग योजना बनाकर काम कर रहे हैं। हाँ सर, आप मेरी परिचय बताएंगे? मैं पवन कुशवाहा, लोकपाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद और राष्ट्रीय प्रचारक मोर्च पाया हूँ, समय मोर्चा। हम लोग इस आंदोलन में आज 15 अक्टूबर को रावतगंज सोनभद्र जिला मुख्यालय पर किए, जिन 11 सूत्री मांगों को लेकर अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पब्लिक आई हुई, जनता आई हुई है, उनकी मांगों को ये लोग पूरी करने का काम करेंगे, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि इस देश में जिसको इन लोगों ने राजा बनाया उन लोगों ने इसका काम नहीं किया, जिसको मालिक बनाया उन लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों ने आज सांसदों और विधायकों को भी आज ज्ञापन दिया है, हमारी बात सांसद और विधानसभा में उठाई जाए और जिलाधिकारी को भी दिया कि आप राष्ट्रपति को पहुँचाइए। और इसी तरह से हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। अभी 5 अक्टूबर को मिर्जापुर में किए, अभी 2 नवम्बर को इसी तरह का आंदोलन इलाहाबाद में है। और मैं आप सब मीडिया मंत्रियों को धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए। इसी के साथ जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद।